34 एग्जांपल नंबर 24 में देखिएगा इसमें है इफ ए इज इक्वल टू 133 जीरो प्लस जीरो लिखवाया माइनस जीरो तो जीरो है।
उसके बाद A31 का मतलब क्या है, एक थर्ड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा 3 3 4 3, 3 3 9 -4 3 12, मतलब थर्ड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 × 4 4, 1 × 3 3 4, -3, ये हो गया प्लस का वर्ग, समझ गए। तो ये जो मैंने निकाले हैं ये सारे के सारे कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, ये सारे के सारे कहलाते हैं कोफैक्टर्स। अब जब हमारे ये कोफैक्टर्स बन गए तो कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना लेनी है, और जब वो मैट्रिक्स बन जाए उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A11, A12, A13 जो ऐसे लिखा है ये ऐसे लिख दिया जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख देंगे A31, A32, A33, A31, A32, A33। अगला देखिएगा, अब क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे ये सारी की सारी। हाँ जी, A11, A12, A13 किसी सीक्वेंस में लिख रहा है, A11, A12, A13, 7 -1 -1, A21, A22, A23, -3 1 0, A31, A32, A33, -3 0 1, ये हमारे पास फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद में फिर मुझे ये वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्या इसके बराबर आता है, चेक करते हैं। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई और नॉट, क्या ये इसके बराबर है या नहीं है, ये चेक कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए ये लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ए क्या है, ए यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा देखते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हमने ये निकाला 7 -3 -3 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या करना होगा, अब आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहली रो इंटू पहला कॉलम। ठीक है, तो ये भी 3x3 की है, ये भी 3x3 की है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो पहली रो इंटू पहला कॉलम तो कैसे होगा, सीधा सीधा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा लिखूंगा नहीं, तो 1 × 7 7, 3 × -1 इज -3, 3 × -1 इज अगेन -3, तो इसको लिखेंगे
सेवन माइनस थ्री माइनस थ्री, समझ गए भाई? देखिए वन इंटू सेवन सेवन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, थ्री इंटू अगेन माइनस वन अगेन माइनस थ्री, ये हो गया। फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री, और लास्ट में थ्री इंटू जीरो इज जीरो, ये हो गया। फिर पहली रो इंटू तीसरा कॉलम, तो वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, थ्री इंटू जीरो जीरो जीरो, और थ्री इंटू वन इज प्लस का थ्री, प्लस का थ्री, ठीक है। फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो वन इंटू सेवन इज सेवन, वन इंटू सेवन इज सेवन, फोर इंटू माइनस वन इज माइनस फोर, एंड थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री। फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो वन इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री, फोर इंटू वन इज फोर, ठीक है, और थ्री इंटू जीरो इज जीरो, थ्री इंटू जीरो इज जीरो। फिर दूसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, तो वन इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री, वन इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री, फोर इंटू जीरो इज जीरो, एंड थ्री इंटू वन इज थ्री। फिर तीसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो वन इंटू सेवन इज सेवन, थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री, फोर इंटू माइनस वन इज माइनस फोर। फिर तीसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, वन इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री, थ्री इंटू वन इज प्लस का थ्री, एंड फोर इंटू जीरो इज प्लस का जीरो। फिर तीसरी रो इंटू तीसरा कॉलम, वन इंटू माइनस थ्री इज माइनस थ्री, थ्री इंटू जीरो इज थ्री, थ्री इंटू जीरो इज जीरो, एंड लास्ट में फोर इंटू वन इज प्लस का फोर, प्लस का फोर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सेवन माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस सिक्स, सेवन माइनस सिक्स इज वन, ये कट गया जीरो, ये कट गया जीरो। फिर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, सेवन माइनस सेवन अगेन जीरो, फोर माइनस थ्री इज प्लस का वन, माइनस थ्री प्लस थ्री इज जीरो, सेवन माइनस सेवन इज अगेन जीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री इज अगेन जीरो, फोर माइनस थ्री इज प्लस का वन, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ये हो गया आई के ऊपर, ठीक है, इतना हो गया। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड करके ये वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ये निकालेंगे, हाँ जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 133 143 134 ठीक है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई क्या है 100 010 001, ये हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रिजल्ट तो एक कॉमन नंबर आता है ना, एक कॉन्स्टेंट नंबर आता है डिटर्मिनेंट का रिजल्ट। तो इसको एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये जो है ये पॉजिटिव, ये जो है ये नेगेटिव, और ये जो है ये पॉजिटिव, ऐसे होता है, ठीक है। तो प्लस का वन सबसे पहले, मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूँ इसे, तो प्लस का वन, फिर ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस थ्री, थ्री जा नाइन, तो लिख रहा हूँ सिक्सटीन माइनस नाइन, क्लियर। अगला टर्म माइनस थ्री, जैसे हम वो अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाकर दिखाते थे ना, आपको डिटर्मिनेंट नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो अब मैंने क्या करा, ये माइनस थ्री, तो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, तो क्या बचा, वन थ्री वन फोर, ये बचा, वन इंटू फोर इज फोर, और वन इंटू थ्री इज थ्री, तो फोर माइनस थ्री, समझ गए। फिर अगला एलिमेंट प्लस का थ्री, प्लस का थ्री, फिर ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, वन फोर वन थ्री, तो वन इंटू थ्री इज थ्री, वन इंटू फोर इज फोर, तो थ्री माइनस फोर, थर्डी ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आगे आपने लगा दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन,
चलते हैं आगे, 16 माइनस 9 इज 7, 1 इंटू 7 इज 7, 4 माइनस 3 इज 1, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए कि ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 7 माइनस 6 यानी कि 1, तो 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब आगे देखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा तो भी आई के इक्वल आया, राइट हैंड साइड सॉल्व करा तो भी आई के इक्वल आया, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चे बताते ना कि सभी क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ भाई, ग्रेसी, महिमा, प्रतीक, शिक्षा, सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, तो LHS is equal to RHS, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, आगे वो पूछ रहे हैं कि also find A inverse, तो A inverse आपको find out करना है। तो A inverse का फॉर्मूला होता है one upon determinant of A into adjoint A। ठीक है, अब जरा देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो मैंने निकाल ली थी ना, 1 आई थी। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट क्या आया था, 1 आया था, 1। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या आया था, ये हमारा एडजॉइंट ए है, 7 माइनस 3 माइनस 3 और माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। ठीक है, तो ये 1 से डिवाइड करना किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो ये वही जो एडजॉइंट है वही इनवर्स के बराबर आ गया इस केस में। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, चलते हैं फिर आगे। एग्जांपल नंबर 25, इफ ए इज इक्वल टू 25, if A is equal to 2, 3, 1 minus 4, if A is equal to 2, 3, 1 minus 4, and B is equal to 1 minus 2, and B is equal to 1 minus 2, करके एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी AB, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो वो AB का होल इनवर्स निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अच्छी चीज़ ये है कि ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका एडजॉइंट निकालने का हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है। देखिए सबसे पहले मुझे A और B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A इनटू B क्या हो गया 2 3 1 माइनस 4, ये A हो गया और बी हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 3, ए इंटू बी ये हो गया। अब ए इंटू बी को सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 इज 9, फिर दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 इज
माइनस फोर इंटू माइनस वन इज प्लस का फोर, इसलिए दो इंटू दूसरा कॉलम, तो वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू और माइनस फोर इंटू थ्री इज माइनस का वन, ये हो गया। तो ये मेरे पास ए भी आ गया, तो टू माइनस थ्री इज माइनस वन और माइनस फोर प्लस नाइन इज प्लस का फाइव और वन प्लस फोर इज प्लस का फाइव और माइनस टू माइनस ट्वेल्व इज माइनस का फोर्टीन, ठीक है। तो जब मेरे पास ए भी आ गया, अब जब मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फिर मैं उसका एडजॉइंट निकालूंगा। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, किसका, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा देखिए, माइनस फोर इधर टू इधर,
और ये जो दोनों हैं थ्री और वन, ये यही रहेंगे, इनके साइन बदल दो, तो ये प्लस का थ्री है माइनस थ्री हो जाएगा, ये प्लस का वन है माइनस वन हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, ये एडिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, क्या करिए ए इनवर्स निकालो, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज माइनस इलेवन, वन अपॉन माइनस इलेवन इनटू माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन टू, ठीक है, इतना हो गया। अभी इतना ही छोड़ दीजिए, अभी इतना ही छोड़ दो, या एक काम करो ये नेगेटिव साइंस निकाल लो सारे बाहर, तो ये बचेगा वन अपॉन इलेवन और ये हो जाएगा फोर थ्री वन और ये टू का हो जाएगा माइनस फोर, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अभी मेरे को बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालिए, बी का डिटर्मिनेंट वन माइनस टू माइनस वन थ्री, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वन इंटू थ्री इज थ्री माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस का टू, तो थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज वन, ये वन हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये जो है इसके एलिमेंट्स को इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो, थ्री इधर और वन इधर, थ्री इधर वन इधर, और इन दोनों के साइन बदल दो, माइनस टू का प्लस टू माइनस वन का प्लस वन, ये एडजॉइंट बी हो गया। तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया, वन आया, तो वन अपॉन वन इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, थ्री टू वन वन, ठीक है। तो वन अपॉन वन तो लिखने का तो मतलब ही नहीं, तो रिजल्ट क्या आ गया, थ्री टू वन वन, ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। अच्छा थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू वन, वो डिटर्मिनेंट निकालते थे ना उसका, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर करा कि वन इंटू थ्री माइनस माइनस वन इंटू माइनस टू, तो थ्री माइनस टू, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए करते थे। ये मेरे पास बी इनवर्स आ गया, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, याद रहे उल्टा मत कर देना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स मत कर देना, मैट्रिक्स में ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, क्या आपने ए इंटू बी करा है या बी इंटू ए करा है। वो क्या कह रहे हैं कि आपको ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूव करना है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये करते हैं जरा। हाँ जी, बी इनवर्स हमने निकाला, कितना आया, थ्री टू वन वन, बी इनवर्स हो गया। अच्छा ए इनवर्स कितना, वन अपॉन इलेवन इंटू, वन अपॉन इलेवन इंटू फोर थ्री वन माइनस टू। अब देखिएगा ये वन अपॉन इलेवन एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इस कॉन्स्टेंट टर्म को बिल्कुल शुरुआत में लिख लीजिए, वन अपॉन इलेवन कॉन्स्टेंट को कहीं पर भी आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वन अपॉन इलेवन इधर आ गया, थ्री टू वन वन इंटू फोर थ्री वन माइनस टू, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टू इंटू फर्स्ट कॉलम, थ्री फोर जो ट्वेल्व प्लस टू वन जा टू, फर्स्ट फोर सेकेंड कॉलम, थ्री थ्री जा नाइन और टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वन इंटू फोर इज फोर प्लस वन इंटू वन इज वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वन इंटू थ्री इज थ्री और वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू, वन अपॉन इलेवन इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस टू इज फोर्टीन, नाइन माइनस फोर इज फाइव, फोर प्लस वन इज फाइव, थ्री माइनस टू इज वन। तो आगे देखिए वन अपॉन इलेवन फोर्टी फाइव फाइव वन, वन अपॉन इलेवन फोर्टी फाइव फाइव वन। तो हम ये कहेंगे कि सिंस ए
ab का होने क्रॉस, therefore ab का होने क्रॉस is equal to b cross into a cross. यही हमको प्रूव करना है. ठीक है जी, क्लियर? ठीक है. हाँ जी, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे क्लियर? यस सर. ठीक है जी. एग्जाम्पल नंबर 26 देखिएगा. तो हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट करना है ए इनवर्स का. हम मुझे वो फॉर्मूला नहीं लगाना कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ना. अब इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले तो मुझे ये शो करना है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है. तो भाई पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे. ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, ए इंटू ए. अब ए क्या है, 2312 मल्टीप्लाइड बाई 2312. ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर. कैसे होगा देखिएगा, पहली रो इंटू पहला कॉलम. तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3, पहली रो इनटू दूसरा कॉलम. 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 6 प्लस 6, दूसरी रो इनटू पहला कॉलम. 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 2, फिर दूसरी रो इनटू दूसरा कॉलम. 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4 3 प्लस 4 7. तो ये जो है ये हमारे पास जी मैट्रिक्स आ गई, ए स्क्वायर आ गई. ठीक है, अब इसके बाद आप ये कहेंगे कि हमें सबसे पहले ये शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई ये ओ के बराबर है. ओ मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर है.
माइनस फोर इंटू ए कितना होगा 2312 प्लस आई क्या होता है 1001 टू बाई टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक माइनस को ये रहने को 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो 4 टू जा 8 4 टू जा 12 अंदर जा 4 4 टू जा 8 प्लस 1001 ठीक है अब देखिएगा 7 माइनस 8 प्लस 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड है तो ऐड सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ तो 7 माइनस 8 प्लस 1 7 माइनस 8 प्लस 1 12 माइनस 12 प्लस 0 फिर 4 माइनस 4 प्लस 0 7 माइनस 8 प्लस 1 ठीक है 7 प्लस 1 इज 8 8 माइनस 8 इज 0 12 माइनस 12 इज 0 4 माइनस 4 इज 0 7 प्लस 1 इज 8 8 माइनस 8 इज 0 0 0 0 0 which is equal to null matrix ये तो प्रूव हो गया ये तो प्रूव हो गया अब वो क्या बोल रहा है अब वो कह रहे हैं कि आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको ये शो करना है कि मतलब आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन को यूज़ करके कैसे करेंगे देखिए सिंस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इज इक्वल टू ओ ठीक है अब क्या करिए आई को ले जाइए उधर राइट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू o माइनस i नल मैट्रिक्स में से किसी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो माइनस 2 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो माइनस 3 ये आ जाता है तो माइनस i बचेगा ठीक है तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस i मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग भाई 0 में से किसी भी आप एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाता है जैसे 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस 2 बन जाता है ना 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस 7 तो 0 में से O का मतलब क्या है नल मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो 0 में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो माइनस आई बन जाएगा समझ गए ठीक है अभी देखिए यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि फोर्स मल्टीप्लाइंग जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज बता देना फोर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स का मतलब क्या है 1/a ए इनवर्स का मतलब 1/a ए की पावर माइनस 1 4a into a inverse is equal to minus i into a inverse ठीक है हाँ जी a square into a inverse minus 4a into a inverse identity matrix को किसी भी matrix को multiply करिए वो matrix वैसी ही रहती है identity matrix कैसे behave करती है जैसे कि 1 behave कर रहा हो 1 की तरह ठीक है तो identity matrix is just like 1 ना वो 1 की तरह है तो अगर मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये a इनवर्स बन जाएगा माइनस का a इनवर्स होता है a स्क्वायर इनटू a इनवर्स आप समझ ही रहे होंगे a की पावर 2 a की पावर माइनस 1 क्या बन गया a a इनटू a इनवर्स मतलब क्या बचा a की पावर 0 मतलब सिर्फ 4 बच गया
अब सिर्फ फोर तो लिखेंगे नहीं, फोर तो एक नंबर है, तो उसमें आई मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस फोर है, ये कर दिया, अब इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। जब भी कभी कोई भी मैट्रिक्स ऐसी होती है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास वन बच गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो वन को वन नहीं लिखेंगे उसको, उसको हमेशा आई लिखेंगे, तो ए इंटू ए इनवर्स करके वन बचेगा ना भाई, ए इंटू वन अपॉन ए क्या होगा वन, तो वन ना लिख कर उसको आई लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन में मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स लिखी हुई है। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद क्या करिए, ये जो माइनस का, हाँ जी बोलिए सर, हमने प्री मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? प्री मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? प्री मल्टीप्लाई जो है जनरली जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स को हमें ना पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, उसको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन जो है वो मैं क्यों बताऊँ? अच्छा एक मिनट, आप एक काम करें, प्री मल्टीप्लाई भी कर दें, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ठीक है, आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दें, प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इनवर्स वाली चीज़ है, तो वो निकलता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का है। चलिए अब क्या करें, माइनस ए इनवर्स को इधर ले आओ, प्लस का ए इनवर्स हो गया इधर आकर, और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो माइनस फोर आई उधर जाकर क्या हो गया, प्लस का फोर आई, प्लस ए उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का आई, समझ गए? अब बस ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर, आई क्या है वन जीरो जीरो वन, माइनस ए क्या है टू थ्री वन टू, फोर इंटू वन फोर, फोर इंटू जीरो जीरो, फोर जीरो जीरो फोर, माइनस टू थ्री वन टू, फोर माइनस टू जीरो, माइनस थ्री जीरो, माइनस वन फोर, माइनस टू फोर, माइनस टू इज टू, जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, फोर माइनस टू इज टू। ये हमारा इस तरह से ए इनवर्स निकल गया, बताइए भाई सभी को क्लियर है? ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 इसके शुरुआत के 12 क्वेश्चंस कर लीजिए, बाद के मैं करवाता हूँ। एक्सरसाइज 4.5 पुरानी वाली बुक का बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके पास नई बुक है उनके लिए फोटो भेज दूंगा, एक्सरसाइज 4.5 ओल्ड बुक। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 ये करना है, ठीक है, बस इतना कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी के जैसे हो जाएंगे आराम से, ठीक है। और फिजिक्स की आज एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, आधे घंटे की या 40 मिनट की होगी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं उनको भी बताओ, ठीक है, तैयार है, आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे, नोट्स आपके पास मैं भेज चुका हूँ उसके, ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, 9:15 से ना, सवा नौ बजे से रुका, सवा नौ से पौने दस, ठीक है, तो वो उसकी क्लास 9 बजे कोई ख़त्म होती है शायद, ठीक है, 9:15 से और 9:45 या 9:50 तक कैसे ले लूँगा, 30-35 मिनट की, ठीक है, जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन भी आ सकता है।